Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important topic of oscillator which is a forced harmonic oscillator. So ये topic जो है वो BSc level पर भी काफ़ी important है और आगे entrance के लिए भी काफ़ी अच्छा है. तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, forced harmonic oscillator के बारे में. जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसा oscillator होगा ये जहाँ पर हम extra force apply करेंगे, forced harmonic oscillator. तो इसको करने से पहले ज़रूरी है कि इसके पहले जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ आएंगे. तो ऑसिलेशन एक तरह से तीन होते हैं, ऑसिलेशंस तीन तरह से. एक हमारा फ्री ऑसिलेशन, दूसरा डैम्ड ऑसिलेटर, और थर्ड है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेटर जो इस टाइप का है. तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको, या इसको हम अनडैम्ड भी बोलते हैं, अनडैम्ड ऑसिलेटर. तो इस तरह का ऑसिलेशन जो विदाउट डैम्पिंग का हो, डैम्ड ऑसिलेटर और ये फोर्स ऑसिलेटर. तो फ्री ऑसिलेशन या अनडैम्ड ऐसा ऑसिलेशन होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता. जैसे मान लीजिए अगर हम ऑसिलेशन देख रहे हैं तो टाइम के साथ ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. ये हमेशा इधर मान लीजिए टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट, तो इनका एम्पलीट्यूड ऑल टाइम कॉन्स्टेंट होगा ऐसे. लेकिन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा, डैम्ड में एयर रेजिस्टेंस लगता है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से या अदर भी कई टाइप के रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है. एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है. टाइम के साथ एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज होता जाता है, यहाँ से जाएगा ऐसे. तो इसे ऑसिलेटर्स को बोलते हैं डैम्पड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी ऐसा ऑसिलेशन जो टाइम के साथ विथ टाइम एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग हो, उसे हम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं. तो इसी डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ऑसिलेशन, अब इसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद ऑसिलेशन हमारा डिक्रीज करते करते धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाता है, या धीरे धीरे एकदम ज़ीरो हो जाएगा. तो अगर इसे हमें मेंटेन रखना है, तो हम बाहर से कुछ फोर्स लगा के इसको कर सकते हैं. तब बारी आती है तीसरे टाइप के ऑसिलेशन की, जो है फोर्स ऑसिलेशन, एक थर्ड टाइप का. तो जो फोर्स हम यहाँ अप्लाई करते हैं वो पीरियोडिक टाइप का फोर्स अप्लाई करते हैं. पीरियोडिक इसलिए कि हमें ऑसिलेशन देखना है, तो जो फोर्स का नेचर होगा वो भी पीरियोडिक जैसा होगा, तो वो फोर्स हम अप्लाई करेंगे. तो उससे पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं. अनडैम्ड में हमारा जो फोर्स होता है ऑसिलेशंस के दौरान, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, विथ नेगेटिव साइन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. यानी कहीं भी हम अगर SHM देखते हैं, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है और ये एक साइड हो गया और दूसरी तरफ इधर ये बी है, और ये अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारा किसी टाइम टी पर, मान लीजिए यक्स है यहाँ से यहाँ तक, और एनी टाइम टी अगर वो पी पे है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन. तो ये टर्म आता है SHM के रिलेशन से, या आप कह सकते हैं डिफिनीशन से, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के. तो यहाँ से हम निकालते थे SHM के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसको हम लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे कांस्टेंट लेते थे माइनस kx, और इस k को बोलते थे फोर्स कांस्टेंट. और फिर इसको हम इधर अरेंज कर लेते थे, तो d2x अपॉन dt2 प्लस k/m x इक्वल टू ज़ीरो, इस टर्म को हम ओमेगा मान लेते हैं. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, यहाँ पे हम मान लेंगे ओमेगा नॉट
का स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, जो भी चाहें इस टर्म को मान सकते हैं। और यहाँ लिख लेंगे कि ओमेगा नॉट इज़ नथिंग बट अंडर रूट के बाई एम। तो ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसी तरीके से हम डैम्पिंग में क्या करते थे, डैम्पिंग में एक और फैक्टर काम करता था फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल, रीस्टोरिंग फोर्स तो इसके प्रोपोर्शनल होता ही था, लेकिन डैम्प्ड वाले में एक और फैक्टर काम करता है। वो दूसरा फैक्टर जो है वो वेलोसिटी वाला टर्म है। डैम्पिंग, जो डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि कोई ऑसिलेशन की वेलोसिटी जितनी तेज़ होगी, जितनी तेज़ से ऑसिलेशन होगा उस पर उसके अपोजिट साइड में उस पर फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा तेज लगता है। कोई चीज़ जितनी तेज़ी से फास्ट मूव करती है उस पर अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन भी उसी पर लगता है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन का लगना। अगर आप बहुत तेज़ किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हवा का जो अवरोध होता है वो ज़्यादा लगता है। तो जो दूसरा टर्म था फोर्स का वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था। तो हम मान लेते हैं इसको एफ डैश, इसको एफ डबल डैश। तो टोटल फोर्स डैम्पिंग ऑसिलेटर के अनुसार क्या था, एफ इक्वल एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। इस तरह से फिर दोनों को हम ऐड करते थे। इसको हम चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट हटा के, ये हो जाएगा माइनस के एक्स। और यहाँ भी हम कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, बी या आर, जो भी चाहें कांस्टेंट लगा देंगे, चाहे आर ले लें चाहे हम बी को ले लें। तो बी यहाँ डैम्पिंग कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ ये फोर्स कांस्टेंट है। और इस बी को चेंज कर देते थे वी को, इस वी को लिख सकते हैं माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर था जो समझने वाली चीज़ है कि डैम्पिंग के दौरान, यानी जो ऑसिलेशन हमारा टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है वो क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी घट जा रही है। एक बार वेलोसिटी कुछ थी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, जब वेलोसिटी घट गई तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम ही करेगा ना। अगर वो ऑसिलेशन इधर से उधर कर रहा है तो अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी तो एक बार इतना दूर जाएगा, दूसरी बार इतनी दूर जाएगा, तीसरी बार इतना इतना, तो ये एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। तो ये केस था यहाँ पे। फिर हम इन दोनों को ऐड करते थे, वहाँ से हमें डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन मिलता था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ को लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ से डी एक्स अपॉन डी टी टू, और ये एफ डैश हो जाएगा एफ डैश से माइनस के एक्स, और एक दूसरा फैक्टर माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी। जब सबको एक साइड लेके आएंगे तो हमें मिलता था मास, या चाहे तो मास से होल आउट डिवाइड कर दें तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। फिर हम इस फैक्टर को कुछ मान लेते थे 2R या जो भी माने यहाँ पे, प्लस तो कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 2R इसको ले लें चाहे जो भी, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो या तो इस टर्म को पहले R मान लिए होते तो यहाँ पे 2 भी मान लेते, वो अपने ऊपर है, जो भी चाहे मान सकते हैं, यहाँ 2 भी ले सकते हैं ऐसा। तो B यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्स वाला जो हमारा आज का टॉपिक है वो मिल जाएगा। तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज करता है। इसमें तीन कंडीशन आती हैं और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं बी और ओमेगा के बीच, बी और ओमेगा नॉट में आपस में रिलेशन कुछ होते हैं, स्पेशल केस जब हम वहाँ डिस्कस करते हैं तो फिलहाल हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो बी और ओमेगा नॉट आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग डैम्पिंग में देखते हैं। यहाँ पे हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा डैम्पिंग का कुछ इस तरह आता है और सेम इसी पैटर्न पे फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा।
सिर्फ इस ऑसिलेशन में डिक्रीजिंग ना हो उसके लिए एक अदर फोर्स हम एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे जो होगा हमारा फोर्स्ड या उसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो हमारा आज का टॉपिक है। तो उसमें क्या है, डैम्पिंग के दौरान अगर हम चाहें कि इस ऑसिलेशन को मेंटेन रखें टाइम के साथ, ऑसिलेशन या टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और कुछ इस तरह का वो पीरियोडिक होगा, या इसको बोलते हैं ड्राइविन फोर्स भी बोल सकते हैं। इसीलिए इस ऑसिलेटर को ड्राइविन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ड्राइविन हार्मोनिक, तो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर या ड्राइविन हार्मोनिक ऑसिलेटर, इस नाम से भी इसको बोलते हैं ड्राइविन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ऑसिलेटर एक तरह से ड्राइव कराया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। जैसे एक सिंपल सा हम उदाहरण ले लें कि जो झलुआ होता है उसमें झूलते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसको छोड़ दें एक बार में, मान लीजिए कि इस लोलक को हम यहाँ खींचे और छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा ऑसिलेशन करेगा और धीरे 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 ये इसका एम्पलीट्यूड घटते घटते एक बार रुक जाएगा वो। लेकिन अगर हम इसको मेंटेन रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हर बार इसको हर एंड से थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे, इधर से भी फोर्स लगाएंगे तो ये लगातार फ्री ऑसिलेशन करता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और डैम्पिंग को रोक सकते हैं जो डैम्प्ड हो रहा है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो इस तरह का होगा, एफ बराबर एफ नॉट साइन पी टी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये अप्लाई करेंगे हम एक्सटर्नली, तो दो फोर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स ये अप्लाई होगा, तो जिससे हम मेंटेन कर पाते हैं, और इस टाइप के ऑसिलेटर को जो इस फोर्स के द्वारा ऑसिलेट हो रहा है उसको बोलते हैं फोर्स्ड। नाम इसीलिए फोर्स पड़ा है क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू एक तरह से वो ऑसिलेशन हो रहा है, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं पहले कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन, और फिर जो भी केस आएंगे वो सारी चीज़ें आज डिटेल में डिस्कस होगा। तो जैसे डैम्पिंग के केस में हमने देखा था, उसी तरीके से यहाँ भी जो हमारा फोर्स है, एक तो मान लीजिए डैश है, ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, दूसरा मान लेते हैं कि प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, माइनस dx बाई dt, इस तरह से जो डैम्पिंग वाला केस था सेम ही है। तो f डैश हो जाएगा हमारा माइनस kx और f डबल डैश, मतलब ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर कितने टाइप के फोर्स लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ऑसिलेट कर रहा है। तो एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, और दूसरा माइनस यहाँ पे कुछ ले लेते हैं r वगैरह, r dx by dt, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। और तीसरा जो यहाँ अप्लाई हो रहा है वो है f इक्वल f नॉट साइन pt, तो ये है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे साइन टर्म लिए हैं और साइन का जो नेचर होता है वो पीरियोडिक होता है, और यहाँ पे एफ नॉट जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि एक्सटर्नली अप्लाइड है, बाकी दोनों माइनस है। तो ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर ये एक अपोजिट टाइप का फोर्स लगा हुआ है जो इन दोनों से अपोजिट है, तो एफ नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स। और जो पी है यहाँ पे, पी
पी को बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो यही वो फ्रीक्वेंसी है जो हम जिसके साथ वेरिएशन चेक करेंगे बाद में, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पी पे ध्यान दीजिए। पी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है और मेन जो काम है वो इसी के लिए है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ही हम चेक करेंगे कि कितना हम फोर्स बढ़ा रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट आता है ऑसिलेशंस के ऊपर। तो इसी बात की चर्चा है इसमें। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो होगा एफ, इसको कुछ ट्रिपल कर देते हैं ऐसा, तो एफ इक्वल होगा एफ डैश प्लस एफ डबल डैश और एक तीसरा ट्रिपल डैश। तो तीन तरह का फोर्स लगता है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटिंग में, मतलब फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर में। एक ऐसा ऑसिलेटर जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके ऊपर तीन तरह का फोर्स अप्लाई होता है, एक रीस्टोरिंग, एक डैम्पिंग फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम खुद लगाते हैं बाहर से। तो इसको लिख सकते हैं, यह हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस एफ डबल डैश हो गया माइनस, ये भी माइनस में ही है, तो माइनस आर डी एक्स अपॉन डी टी। और नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव है एफ नॉट साइन पी टी, एफ नॉट साइन पी टी, और इस एफ को हम न्यूटन्स लॉ से ले लेंगे एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये सारी चीज़ें पहले से थी, ये सिर्फ टर्म एक्स्ट्रा है यहाँ पे जो डैम्पिंग के अलावा है ये वाला टर्म। अब बाकी टर्म को हम इधर लेते आएंगे, पहले मास से डिवाइड कर देते हैं। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस आर अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको हम इधर भी ला रहे हैं और मास से डिवाइड भी कर रहे हैं, प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम साइन ऑफ पी टी। तो सिंपली हमने मास से डिवाइड किया और दोनों माइनस वाले टर्म को इधर लेके आए, ये हो गया डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस इस टर्म को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से टू बी, टू बी डी एक्स अपॉन डी टी, इसको मान लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये हो गया एक्स, और इसको मान लेते हैं स्मॉल एफ नॉट, एक तरह से एक्सेलरेशन जैसा, ये एफ नॉट अपॉन एम, तो एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे इसको, एम्पलीट्यूड जैसा फैक्टर है। तो एफ नॉट अपॉन एम को हम एक नया नोटेशन ले रहे हैं एफ नॉट सिंपली। तो ये हो गया साइन पी टी, यहाँ हम लिख लेंगे हम क्या क्या लेट कर रहे हैं, वेयर टू बी इज इक्वल टू आर अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल के अपॉन एम एंड एंड एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम। ये चीज़ें हम सपोज किए हैं तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है हमारा ये वाला, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। अंतर सिर्फ इतना है डैम्ड वाले में से कि यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म है एफ नॉट साइन पी टी, अदरवाइज ये बिल्कुल वही टर्म है जो वहाँ पे था, जो वहाँ पे था सेम टर्म है, केवल ये टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो इसके बाद फिर हम जिस तरीके से सोल्यूशन करते हैं दोनों ही SHM में या फिर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, उसी तरीके से इसका भी सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सोल्यूशन किस टर्म में होगा, तो यहाँ पे एक तो हम x के लिए सोल्यूशन निकालेंगे, नीचे टाइम है और इधर कुछ साइन पी टी वगैरह का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा कुछ उसी फॉर्म में आएगा। तो इसका सोल्यूशन हम मान लेते हैं, तो सोल्यूशन मानते समय भी ध्यान देते हैं कि वो किस फॉर्म में होगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं मान सकते, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो मान लेते हैं, लेट लेट द सोल्यूशन of the above differential equation, solution of above differential equation is of the form, तो किस form में है मान लेते हैं, x equal let's say x equal to a naught ले लेते हैं,
एक्स इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, या सिंपली ए भी ले सकते हैं, ए साइन पी टी माइनस थीटा, इस फॉर्म में ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन और इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। तो इसका सलूशन कुछ इस फॉर्म में है, ए साइन पी टी माइनस थीटा, यहाँ भी साइन पी टी वगैरह था और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। तो इसका सलूशन करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आ सकता है। तो अगर ये इसका सलूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट काम हमारा यही होगा कि इसका हम डेरिवेटिव करें, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। वी गेट तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा ये, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस पी टी माइनस थीटा, फिर यहाँ पे पी आएगा तो हम इस पी को यहाँ लिख लेते हैं। उसी तरीके से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ये हो जाएगा कॉस का माइनस होता है माइनस साइन में आएगा और यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा साइन पी टी माइनस थीटा। तो ये आसान है, हम ऐसे लिख देते रहे, कॉस करेंगे तो माइनस साइन आएगा और उसके बाद फिर से पी आएगा तो पी और पी पी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों डेरिवेटिव हमें मिल गया, डी एक्स बाई डी टी और डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और साथ साथ एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। सो यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन वन, यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन वन, टू एंड थ्री इन वन, वी गेट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, माइनस पी स्क्वायर ए, माइनस पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा प्लस टू बी, डी एक्स बाई डी टी का मान है पी ए कॉस पी टी माइनस थीटा, और ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और एक्स हमने माना था ए साइन पी टी माइनस थीटा, और इक्वल में है एफ नॉट साइन पी टी, एफ नॉट साइन ऑफ पी टी। क्लियर, कुछ नहीं किया हमने, इसके जगह पे पुट किया और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी और इधर x की वैल्यू। ये क्या लेट किया था हमने लास्ट में, इसको याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो देखिए यहाँ पे साइन पी टी माइनस थीटा दो टर्म दिख रहा है यहाँ यहाँ, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, एक तो ए कॉमन है ए, और दूसरा हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन पी टी माइनस थीटा प्लस यहाँ पे क्या है टू बी पी ए कॉस पी टी माइनस थीटा। तो इधर का टर्म हो गया यहाँ से कॉमन, और ये सारा ये ए था, इस टर्म को लिख सकते हैं एफ ज़ीरो, और इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे पी टी माइनस थीटा और प्लस थीटा। एक्चुअली हम इसको ऐसे लिखते हैं पी टी साइन, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, पी टी में माइनस थीटा किया और प्लस थीटा किया, ये थीटा ही है प्लस थीटा, तो एक तरह से साइन ऑफ पी टी में थीटा को ऐड किया है और थीटा को नेगेटिव माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया। ऐसा इसलिए किए हैं कि जो इधर टर्म है उधर वाले टर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगा, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
साइन पी टी माइनस ईटा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, इसको हम इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। सब में अपना सॉल्यूशन का एक तरीका होता है, ये इसी तरीके से होगा। 2abp cos pt माइनस थीटा। और एक चीज़ हम बताना भूल गए, जो इक्वेशन 2 हमने लिया था वहाँ पे ये एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर था और ये वही ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी और ये फेज था, थीटा वाला मान यानी फेज फैक्टर। जो थीटा था वो यहाँ पे फेज फैक्टर था, फेज पार्ट है वो। तो इसको लिख सकते हैं F नॉट और ये हो जाएगा साइन A कॉस B। तो साइन A कॉस B, तो पहले क्या करते हैं, कॉस वाला टर्म लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन पी टी माइनस थीटा। ठीक है, साइन A कॉस B, तो कॉस B हम पहले लिख लिया, साइन A यहाँ पे है, प्लस कॉस है साइन B, तो साइन पहले लिख लेते हैं कॉस बाद में। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि कंपेयर करने में आसानी हो। दोनों तरफ हम देखेंगे तो इधर भी साइन पी टी माइनस थीटा है और यहाँ कॉस माइनस, तो साइन और इधर भी साइन कंपेरेबल है और इधर कॉस पी टी माइनस थीटा और यहाँ भी कॉस पी टी माइनस थीटा। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ दिस मैकेनिक्स वर्क्स। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला तरीका होगा कि दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, एफ जीरो कॉस थीटा। या पहले इसको लिख लेते हैं, तो 2abp इक्वल एफ नॉट साइन थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन जो भी 3, 4, 5 जो भी चल रहा था, मान लीजिए ये 4 है, इक्वेशन 4 2abp। सो दिस इज इक्वल टू एफ नॉट साइन थीटा और दूसरा है यहाँ पे a ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल, कौन सा टर्म है, ये वाला साइन पी टी माइनस थीटा का कोफिशिएंट ये एफ नॉट कॉस थीटा। तो इस तरह कैसे इसको सॉल्व करना आसान है, इसीलिए हम ऐसे ही करते हैं। अब अगर इनसे हमें एम्पलीट्यूड या थीटा वगैरह निकालना हो तो फिर एक तरीका है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर ले। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ये वाला फैक्टर। तो वही करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4a² b² p² प्लस a² ओमेगा नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर का स्क्वायर, पी है, इधर हो जाएगा एफ नॉट का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सिंपली एफ नॉट का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, पहले इस टर्म को लिखते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर और पी स्क्वायर और यहाँ हो गया एफ नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हम फुल डेरिवेशन भी एक तरह से करा रहे हैं जो एकेडमी लेवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाएगा एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4,
बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये है। तो ये फैक्टर एम्पलीट्यूड दे रहा है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो एफ नॉट पे स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ हाफ लगा सकते हैं या अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये जो टर्म है यही है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो ऑसिलेटर हम बात कर रहे हैं फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसके लिए ये एम्पलीट्यूड है। और ये एम्पलीट्यूड देखो किस पे देखिए डिपेंड कर रहा है। ये एक तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, इसमें सारे टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म और दिख सकता है अगर हम एफ नॉट को लिख लें, एफ नॉट अपॉन एम, और अपॉन में ये पूरी वैल्यू वही रहेगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया फोर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर। ये तो यहाँ से दिखेगा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। जो एम्पलीट्यूड था हमारा ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी का, याद कीजिए F बराबर था F ज़ीरो साइन पी टी, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई किए थे वो इसी फॉर्म में था, F इक्वल F नॉट साइन पी टी। तो F नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड था उस पर भी फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। ऊपर से यहाँ स्मॉल m है, यानी जो ऑसिलेटिंग सिस्टम, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसके मास पर भी डिपेंड कर रहा है। ये जो मास है वो क्या है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास है, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, सो दिस इज मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, अपॉन में है यहाँ पे अंडर रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पी इज़ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड बी इज़ द डैम्पिंग कॉन्स्टेंट फैक्टर। बी हमारा डैम्पिंग का कॉन्स्टेंट फैक्टर था, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट फैक्टर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे एम्पलीट्यूड हमारा डिपेंड कर रहा है, तो ये सारा वेरिएशन हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इसके बाद हम एंगल भी निकाल लेते हैं, फेज में क्या चेंज होता है। तो इक्वेशन 4 और 5 से ही हमें थीटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर हम इसको डिवाइड कर ले, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, सो 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू दिस, ए यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 बी पी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या यहाँ से थीटा लिख सकते हैं टैन इनवर्स, टैन इनवर्स 2 बी पी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं तो टाइम तो लगेगा ही। ये हमारा थीटा है, तो फेज एंगल रिमेंबर, जो एक्स हमने लिया था एक्स इक्वल टू ए और साइन, सोलूशन जो हमारा था वो इसी फॉर्म में था, एक्स इक्वल टू ए साइन, एक्स इक्वल ए साइन पी टी माइनस थीटा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू और थीटा दोनों की वैल्यू हमें मिल चुका है, और यहाँ थीटा देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी तीनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और साथ साथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो सारे टर्म पे लगभग फेज एंगल भी काम कर रहा है, तो देखते हैं इनका वेरिएशन कैसे होता है। अब ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करेगी अब एम्पलीट्यूड का मान कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, ये फैक्टर डिसाइड करेगा, जो नीचे वाला है ये फैक्टर डिसाइड करेगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू पी से बड़ी है या छोटी है, इस बात पर भी डिसाइड होगा कि ए का मान कैसा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो इस तरीके से यहाँ भी ओमेगा नॉट और पी भी डिसाइड करेगा कि थीटा का मान क्या होगा।
ये सारी चीज़ें वन बाई वन देखेंगे। ये दोनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो थीटा वाला एक्सप्रेशन और एक एम्पलीट्यूड वाला एक्सप्रेशन, इसी से हम आगे बढ़ेंगे और तीन केस हम डिस्कस करेंगे। एक बार लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, यानी जो हम एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स किए हैं, ये वाला एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ये अगर लो होगा तो क्या होगा, और धीरे धीरे जब हम बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन आएगी रेजोनेंस की या क्रिटिकल की कंडीशन, उस समय क्या होगा। दूसरा मतलब लगभग अगर ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तब क्या होगा, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड और थीटा को ही हम डिस्कस करेंगे अलग अलग केस के लिए, ओमेगा नॉट और ये सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, तो तीन चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाली हैं। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में हम केस बनाएंगे के रिस्पेक्ट में, तो स्पेशल केसेस, तो हम इसे एक ही बार में करना चाह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आप थोड़े से बोरिंग फील कर रहे हो तो फिर थोड़ा पानी वानी लेके फिर बैठ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। खैर, एम्पलीट्यूड और ये थीटा, ये दोनों फैक्टर हैं और इसमें हम तीन केस डिस्कस करेंगे। एक तो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, दूसरा होगा हमारा रेजोनेंट रिस्पॉन्स, जो तभी होगा जब हमारा पी नियरली इक्वल हो जाएगा ओमेगा नॉट के, और यहाँ पे पी की वैल्यू लेस देन होगा ओमेगा नॉट, और इसी में हमें टर्म मिलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का टर्म हमें इसी रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तीसरा है हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों केस को हम वन बाई वन करेंगे। ये है पी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ऐसा, ठीक है। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो लो में क्या होगा, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं कि पी की वैल्यू बहुत लेस देन है ओमेगा नॉट से, तो क्या होगा। अगर पी की वैल्यू बहुत कम है ओमेगा नॉट से तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जब हम पी की वैल्यू को बहुत लो रखेंगे तो ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में ये वैल्यू नेगलिजिबल होगी। तो दोनों के साथ में लेंगे, एक तो पी हमारा बहुत स्मॉल है लो, और साथ साथ डैम्पिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर डैम्पिंग हमारा स्लो रहा, अगर हम लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और साथ साथ अगर डैम्पिंग भी स्मॉल रहा तो क्या होगा, ये फैक्टर भी एक तरह से गायब हो जाएगा और ये फैक्टर भी गायब, तो हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड का मान मिलेगा एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, तो जो बाहर आएगा वो यही आएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, दोनों केस है, एक तो पी बहुत लो है और ऊपर से बी भी स्मॉल है, बी इज स्मॉल, उस केस में हम शुरू में फैक्टर को गायब कर सकते हैं कि बी भी छोटा है और पी भी छोटा है, तो दोनों ही वैल्यू कम है और यहाँ भी पी इसके कंपैरिजन में कम है तो नेगलिजिबल है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर है यहाँ आएगा ये। तो एम्पलीट्यूड हमें मिल गया एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर इस केस में लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी में। थीटा को देख लेते हैं, थीटा क्या आएगा, थीटा इक्वल अगर पी हमारा बहुत छोटा है तो नेगलिजिबल हो जाएगा ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइनली मिलेगा थीटा की वैल्यू जो है, और यहाँ भी बी बहुत स्मॉल है, तो एक तो बी स्मॉल, दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं एक साथ, तो एक तो डैम्पिंग स्मॉल और साथ साथ पी भी स्मॉल, तो एक तरह से नीचे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ओमेगा नॉट
पी के कंपेरिजन में ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, नीचे ज़्यादा फैक्टर है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगी, थीटा का मान एक तरीके से ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। या चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टैन थीटा, यहाँ से अगर देखो तो टैन थीटा टेंड करेगा ज़ीरो की तरफ, और ये जब ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो थीटा टेंड कर जाएगा ज़ीरो डिग्री की तरफ, तो थीटा हमें मिल रहा है ज़ीरो डिग्री, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें मिली यहाँ से, एम्पलीट्यूड है एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये है थीटा ज़ीरो डिग्री, थीटा हमारा ज़ीरो डिग्री है। अब इसको हम ग्राफ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो इनिशियली क्या होगा वो हम बाद में चेक करेंगे। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, रेजोनेंट वाला सेकंड, तो हमें लग रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर बीच में रह जाता है तो फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट बाद में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। खैर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी भी बची हैं तो एक ही में कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में दो वैल्यू हमें मिल रही है, एक एम्पलीट्यूड जो इस फॉर्म में है, और दूसरा फेज़ का मान कुछ इतना है। कब है, जब लो ड्राइविंग है और हमारा बी भी स्मॉल है, लो ड्राइविंग और बी की वैल्यू भी स्मॉल है। तो केस सेकंड है रेजोनेंट वाला, फॉर्मूला ड्री तो रेजोनेंट की कंडीशन तो रेजोनेंस का मतलब हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करना चाह रहे हैं, ए मैक्स हमें कब मिलेगा, ए मैक्स के बारे में हम सोचेंगे। तो रेजोनेंस की कंडीशन वो होती है जहाँ एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होता है। जनरली हमें रेजोनेंस का आइडिया कुछ ऐसा ही है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होता है उसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं, यानी रेजोनेंस कंडीशन यानी सेकंड वाली जो कंडीशन है उसका, उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के बारे में सोचना है। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब हम ए को, जैसे ए का वैल्यू था हमारा एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये फोर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगी वही हमारा, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स या रेजोनेंस एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इसी को हम बोलेंगे। खैर ये जिस पे होगा इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि इसे हम सेकंड पार्ट में ही करें। तो केस जो सेकंड हमारा केस से शुरू हो रहा है, स्पेशल केस, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा है ये, तो उतना सारा एक साथ है ठीक नहीं है, वो नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो केसेस से हम आगे फिर से बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हम बता दें कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंतर्गत हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो था डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस टू बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पे था एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट और साइन पी टी, ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हम सॉल्यूशन माने थे कुछ इस फॉर्म में, एक्स इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा, इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में था, और फिर हमने एम्पलीट्यूड को फाइंड कर रखा है, इतना है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड हो चुका है, ए की वैल्यू इतना निकाले हैं, और उसके बाद टैन थीटा हमारा आया था 2vp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यही दोनों वैल्यू हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट है, जिससे पे हम आगे केस डिस्कस करेंगे, तीनों केस।
वन बाई वन सारा आएगा, जहाँ पे हम वेरिएशन देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं और एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता है और घटता है। एक ओवरव्यू हम दे दें कि हम नेक्स्ट में क्या करेंगे। तो एक मोटी मोटा ग्राफ हम दिखा रहे हैं, इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ग्राफ बनता है तीनों केस में, ये एम्पलीट्यूड ए और इधर है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है इसमें। हम और डिटेल में अच्छे से करेंगे बाद में, फिलहाल हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये है लो डैम्पिंग का केस। लो डैम्पिंग और ये वाला ग्राफ शो करता है हाई डैम्पिंग और एक डॉटेड जैसा हम दिखाएंगे वो शो करता है ज़ीरो डैम्पिंग को। हालांकि ज़ीरो डैम्पिंग पॉसिबल नहीं होता है, वो एक आइडियल केस है, नहीं तो डैम्पिंग तो कुछ ना कुछ रहती ही है, कभी भी ज़ीरो नहीं होता। और ये जो मैक्सिमम पिक मिल रहा है इसी को बोलते हैं एम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये इसी फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। तो इसे ही हमें डिस्कस करना है कि हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस एंड फील लाइक दिस। यानी पहले जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमारा इस तरफ है, तो जिस तरीके से हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं एम्पलीट्यूड पहले इंक्रीज़ करता है लो डैम्पिंग के केस में, और फिर एक मैक्सिमम रेजोनेंट कंडीशन पे आने के बाद फिर हम अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज होता है। तो ये बिहेवियर क्यों है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी नेक्स्ट में। फिर इसी चीज़ को हम हाई डैम्पिंग में देखेंगे, तो हाई डैम्पिंग में क्या होगा कि थोड़ा सा ही इंक्रीज़ है केवल एम्पलीट्यूड में, फिर उसके बाद इसके आगे पूरे पोर्शन में डिक्रीज है। ये सारा कुछ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक्स, थैंक यू सो मच।